दोस्तों आज का ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के ऊपर। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होती है, किस तरह की होती है, कितने प्रकार की होती है और इसके आने से आपके चैनल पर इफेक्ट कैसे पड़ता है, किस तरह से ये वर्क करती है, सब कुछ समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, कम्प्लीटली इस वीडियो को आप देख लेना। ये वीडियो देखने के बाद आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में दूसरा वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के कॉन्टेंट में आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों कोई भी यूट्यूबर ये नहीं चाहता कि उसके चैनल पर स्ट्राइक आए। दोस्तों स्ट्राइक दो तरह की होती है, एक होती है कॉपीराइट स्ट्राइक और एक होती है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। अब कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में आप सभी जानते हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक में बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं और गलतियाँ कर बैठते हैं। तो वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है अपने यूट्यूब चैनल पर, अगर आपको अपना चैनल बचाना है। दोस्तों आपको अपने चैनल पर यूट्यूब की सभी पॉलिसियों को ध्यान में रखते हुए काम करना है जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाए। हाँ, अगर चैनल मोनेटाइज हो भी जाता है तब भी आपके ये स्ट्राइक आ सकती है और आपका मोनेटाइजेशन भी डिसेबल किया जा सकता है। अब बात करते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में। तो दोस्तों कोई भी यूट्यूबर ये नहीं चाहता कि उसके चैनल पर स्ट्राइक आए, क्योंकि स्ट्राइक एक सज़ा होती है जो कि यूट्यूबर के लिए बहुत ही घातक होती है, बहुत ही हानिकारक होती है। तो आपको कौन कौन सी वो गलतियां नहीं करनी है, कौन कौन सी गलतियों से आपको बचना है, ये सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो देख लेना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैं आ गया हूँ कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के पेज के ऊपर, जो कि YouTube हमें खुद बताता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर स्पैम के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर स्पैम कौन कौन से हैं जो कि आपको नहीं करने हैं। सबसे पहले है फेक इंगेजमेंट। तो यहाँ पर आप फेक इंगेजमेंट को अच्छे से समझ लें कि फेक इंगेजमेंट आखिर होता क्या है। दोस्तों फेक इंगेजमेंट का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपको किसी भी तरह से सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब आपको फेक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाने हैं, फेक व्यूज़ नहीं बढ़ाने हैं और किसी गलत तरीके से अपने चैनल का वॉच टाइम नहीं बढ़ाना है। अगर YouTube को इस बात का पता लगता है तो आपके चैनल को कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी वेबसाइट को पैसा देकर पेड प्रमोशन करवाते हैं और अपने चैनल पर व्यूज़ बढ़वा लेते हैं, वॉच टाइम बढ़वा लेते हैं और सब्सक्राइबर बढ़वा लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आपका चैनल मोनेटाइजेशन में रिव्यू के लिए जाएगा तब आपके समस्या आ सकती है और आपको सामना करना पड़ सकता है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का। दोस्तों फेक इंगेजमेंट में सब फॉर सब भी आता है। बहुत सारे लोग स्पैम करते हैं और कमेंट बॉक्स में सब फॉर सब लगाते हैं, आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको सब्सक्राइब करूंगा। ऐसा करके भी बहुत सारे लोग हजारों सब्सक्राइबर कर लेते हैं। तो अगर YouTube को पता लग जाता है कि आपने सब फॉर सब किया है तो आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकती है। यहाँ पर दूसरी पॉलिसी की बात हो रही है इंप्रेशन के बारे में। दोस्तों इंप्रेशन का मतलब होता है किसी की पहचान को चुराना। मतलब यह है कि आपको किसी दूसरे सेलिब्रिटी के नाम से अकाउंट नहीं बनाना है, किसी पॉलिटिशियन के नाम पे अकाउंट नहीं बनाना है। हाँ, आप उसका फैन पेज बना सकते हो, लेकिन अगर आपने उसके नाम को यूज़ किया है, किसी बड़े सेलिब्रिटी के नाम को यूज़ किया है, आपके लोगो में भी उसी का नाम है, थंबनेल में भी उसी का नाम है, उसी के वीडियो को कॉपी कर करके अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ सकती है और आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है। अगला है एक्सटर्नल लिंक्स। अभी एक्सटर्नल लिंक का फीचर अभी कुछ दिन पहले YouTube ने जोड़ा है। एक्सटर्नल लिंक की बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं जो कि शॉर्ट्स वीडियो पर अभी अप्लाई है, लेकिन फिर भी लॉन्ग वीडियोज़ पर आप लिंक लगा सकते हो, लेकिन वहाँ पर भी आपको किस तरह के लिंक लगाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप अपने वीडियोज़ में पोर्न वेबसाइट के लिंक लगाते हो तो ये भी गलत है, ये भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक में आता है। अगर आप किसी फिशिंग वेबसाइट के लिंक लगाते हो तो ये भी गलत है। फिशिंग वेबसाइट का मतलब है कोई ऐसी वेबसाइट जो दूसरे यूज़र का डेटा चुराती हो, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड के बारे में बात करती हो और उसके फाइनेंशियल डिटेल के बारे में बात करती हो, ऐसे वीडियोज़ के लिंक लगाना भी गैरकानूनी है। आप ऐसी एप्लीकेशन का लिंक नहीं लगा सकते जो कि पेड कंटेंट को गैरकानूनी तरीके से बताता है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि गैरकानूनी काम के लिए यूज़ की जाती है, ऐसी वेबसाइट का लिंक आपको अपने चैनल पर, आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में नहीं लगाना है। ऐसी प्लेलिस्ट को आपको प्रमोट नहीं करना है जो कि इल्लीगल हो, या फिर ऐसी चीज़ें जो मैंने पहले बताई उसके बारे में आपने कोई प्लेलिस्ट बना रखी हो, तो ऐसी प्लेलिस्ट को भी आप प्रमोट नहीं कर सकते और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आप नहीं लगा सकते। कुछ एडिशनल पॉलिसीज भी दी गई है। एडिशनल पॉलिसियों में भी बहुत सारी बातें करी गई है। अगर आप यूट्यूब की टर्म एंड कंडीशन को वॉलेट करते हो तो वहां पर भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकती है। और अगर कोई ऐसा वीडियो जिसकी वजह से आपका चैनल पहले स्ट्राइक आई है और आपने उसको डिलीट कर दिया है, अगर आप उसको दोबारा अपलोड करते हो तो फिर आपका चैनल टर्मिनेट ही होगा। ऐसी गलती करने से बिल्कुल आपको बचना है। दोस्तों जब आपने अपना YouTube चैनल बनाया था या फिर ईमेल आईडी बनाई थी तो उस टाइम पे आपसे अपनी एज के बारे में YouTube ने पूछा होगा,
तो अगर आप गलत तरीके से अपने एज को बताते हैं या फिर आपकी एज कम है और उसको ज्यादा बताते हैं तो वहां पर भी आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ सकती है। अब बात करते हैं सेंसिटिव कंटेंट के बारे में। दोस्तों सेंसिटिव कंटेंट में बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे बात करते हैं चाइल्ड सेफ्टी की, ऐसे वीडियो जिनमें बच्चों के साथ मारपीट होती है, उनके साथ हिंसा होती है या फिर कोई बच्चों के साथ अनैतिक काम होता है, ऐसे वीडियो का आपको प्रमोट नहीं करना है, ऐसे वीडियो अपने YouTube चैनल पर नहीं डालना है और ऐसे वीडियो की लिंक भी आपको अपने YouTube चैनल पर नहीं देनी है। जिनमें बच्चों को गलत तरह से चूमते हुए, गलत तरह से सहलाते हुए बताया गया है, ऐसी वीडियो भी अपने चैनल पर आपको नहीं बनानी है। बाल श्रम को बढ़ावा देने वाली वीडियो आप अपने चैनल पर नहीं लगा सकते, ये भी चाइल्ड सेफ्टी के अंदर आती है। तो दोस्तों यूट्यूब में चाइल्ड सेफ्टी के बारे में, तो दोस्तों यूट्यूब ने चाइल्ड सेफ्टी को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखा है। अगर आप कुछ ऐसे तरह के कंटेंट बनाते हो तो आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों थंबनेल के बारे में। दोस्तों यूट्यूब पर हमें कस्टम थंबनेल अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन कस्टम थंबनेल अपलोड करते समय आपको उसकी गाइडलाइन का बिल्कुल ध्यान रखना है। दोस्तों आपको हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे थंबनेल अपलोड करना है जिसके बारे में आपने वीडियो में बताया हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वीडियो में कुछ और होता है और थंबनेल किसी और टॉपिक पर लगा देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को वॉयलेट कर रहे हैं। दोस्तों थंबनेल में आपको एडल्ट कंटेंट नहीं देना है। अगर आप थंबनेल में एडल्ट कंटेंट देते हो तो वहां पर भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे थंबनेल जिनमें हत्या के बारे में बताया गया हो, यौन शोषण के बारे में बताया गया हो, ऐसे थंबनेल आपको अपने वीडियो में बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, नहीं तो आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकती है। अब बात करते हैं न्यूडिटी एवं सेक्सुअल कंटेंट। इसके बारे में आपको पता है कि न्यूडिटी आपको YouTube पे नहीं करनी है, मतलब गंद नहीं फैलानी है, और कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि बिल्कुल गंदा हो वो आपको YouTube पर नहीं डालना है। सुसाइड एंड हार्मफुल एक्टिविटीज, कोई ऐसा वीडियो जिसमें कोई सुसाइड कर रहा है या फिर कोई हार्मफुल वीडियो बना रहा है तो ऐसा भी आपको नहीं करना है, ऐसा वीडियो भी आपको YouTube पर अपलोड नहीं करना है। वल्गर लैंग्वेज, अगर आपके वीडियो में ज़्यादा गाली गलौज का काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा गालियाँ निकाली जा रही है, तो ऐसा कॉन्टेंट भी रिमूव किया जा सकता है, चेतावनी आपको मिल सकती है, स्ट्राइक भी आपको पड़ सकती है। अब बात करते हैं डेंजरस कंटेंट के बारे में। हरेसमेंट एंड साइबर बुलिंग। हरेसमेंट का मतलब होता है अगर आप किसी वीडियो में किसी का पीछा करते हुए दिखाई जा रहे हो, वीडियो के थ्रू किसी को परेशान करना, किसी को छेड़ना, गाली गलौज करना, धमकी देना, किसी के चरित्र पर उंगली उठाना और उस पर बेबुनियाद आरोप लगाना, किसी भी तरह की अश्लील टीका टिप्पणी करना या फिर फिरौती मांगना, अगर आप ऐसा काम करते हो तो ये भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के अंदर आता है, मतलब ये हरेसमेंट के अंदर आता है। बिना यूजर की परमिशन के उसके फोटो को यूज करना, उसकी वीडियो को यूज करना और उसके वीडियो को एडिट करके अपने चैनल पर अपलोड करना, ये भी साइबर बुलिंग के अंदर आता है। किसी व्यक्ति को बार बार बेइज्जत करना, उसका अपमान करना और उसका मजाक उड़ाना, ये भी साइबर बुलिंग के अंदर आता है। देखो यूट्यूब पर नफरत फैलाने वाली जो वीडियो है वो आपको नहीं बनानी है। कोई काला है, कोई गोरा है, तो इस तरह का भेदभाव आपको यूट्यूब पर नहीं करना है। कोई दिव्यांग है, किसी नेशन की बुराई आपको नहीं करनी है। इमिग्रेशन की स्थिति में किसी पीड़ित का मजाक आपको नहीं उड़ाना है। गैर जिम्मेदार तरीके से वीडियो आपको नहीं बनाना है, इससे आपके चैनल पर यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकती है। अगला है मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब यह है कि दोस्तों अगर आप अपने वीडियोज में ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हो जो कि लोगों को भटका रही है और कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप उसमें दे रहे हो तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत है तो फटाफट अपने वीडियो को रिमूव कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं, नहीं तो आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकती है। आपको इलेक्शन के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। आपको मेडिकल से रिलेटेड कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर अपलोड नहीं करनी है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप मेडिसिन के बारे में सलाह दे सकते हैं, अगर आपके पास कोई डिग्री है तभी आप सलाह दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपने देखे होंगे, लेकिन आपको गलत इन्फॉर्मेशन अपने वीडियोज में नहीं देनी है। आप अपने वीडियोज में किसी भी तरह की कोई भी प्रोडक्ट जो कि नशीला है, मानव तस्करी के ऊपर है, बिना लाइसेंस के शराब, तंबाकू उत्पादन, फर्जी दस्तावेज बनाना आदि के बारे में अगर आप वीडियो बनाते हो तो ये भी इस कैटेगरी में आता है। दोस्तों ऐसे वीडियो जिनमें जुए के बारे में बताया गया हो, शराब के बारे में बताया गया हो, सट्टे के बारे में बताया गया हो, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। ऐसे वीडियो जिनमें एस्कॉर्ट सर्विस के बारे में बताया गया हो, वेश्यावृत्ति के बारे में बताया गया हो, ऐसे वीडियोज भी आपको नहीं बनाने हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, ऐसी दवाएं जो बिना डॉक्टर की परमिशन से आप नहीं ले सकते, ऐसी दवाओं का लिंक अगर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो तब भी आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकती है। अब बात करते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक कैसे पड़ती है, कितने दिन तक एक्टिव रहती है और इसके पड़ जाने के बाद आपके चैनल के साथ क्या होता है। दोस्तों वैसे तो आप सभी को पता है कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलने पर क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप पहली बार यूट्यूब पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का उल्लंघन करते हो तो आपको कोई भी स्ट्राइक नहीं दी जाती, क्योंकि यूट्यूब के अनुसार गलती किसी से भी हो सकती है, इसलिए आपको पहली बार स्ट्राइक ना देकर एक वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। इससे आपके चैनल पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है,
और ये वार्निंग 90 दिनों के अंदर आप इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर चेतावनी मिलने के बाद भी अगर आप गलती करते हो तो आपके चैनल पर फर्स्ट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगी। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपके चैनल पर एक सप्ताह के लिए वीडियो अपलोडिंग बंद कर दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि आप अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाल सकते, कम्युनिटी पोस्ट नहीं डाल सकते, आप लाइव नहीं आ सकते, आप कस्टम थंबनेल अपलोड नहीं कर सकते और आप अपने वीडियोस में स्टोरी तक नहीं लगा सकते। 7 दिन बाद आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, लेकिन जो स्ट्राइक है वो 90 दिनों तक आपके चैनल पर बनी रहती है और 90 दिनों के बाद ये स्ट्राइक अपने आप हट जाती है। लेकिन अगर फर्स्ट स्ट्राइक मिलने के 90 दिन के अंदर फिर से अगर आप कोई गलती करते हो तो आपके चैनल पर पड़ती है दूसरी स्ट्राइक। इसमें क्या होता है कि 2 हफ्ते के लिए आपके चैनल पर अपलोडिंग बंद कर दी जाती है। अब आप 2 हफ्ते तक ना तो अपने चैनल पर स्टोरी लगा सकते, ना वीडियो अपलोड कर सकते, ना कोई आप अपना कस्टम थंबनेल लगा सकते और ना ही आप अपने चैनल पर लाइव आ सकते और कम्युनिटी पोस्ट भी आप नहीं कर सकते। और अगर दोस्तों मान लीजिए आपके 90 दिनों के अंदर तीसरी स्ट्राइक आ जाती है तो दोस्तों आपका चैनल परमानेंटली डिलीट कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आपके पास केवल एक ही विकल्प बचता है, वो है अपील का ऑप्शन। तो अपील क्या होती है आइए जानते हैं। तो अगर आप कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से बचना चाहते हैं तो आप अपील कर सकते हैं, लेकिन आपकी अपील में दम होना चाहिए। आपको यूट्यूब को यह समझाना पड़ेगा कि आपने किसी भी पॉलिसी को वॉयलेट नहीं किया है, आपने किसी भी पॉलिसी का उल्लंघन नहीं किया है और यूट्यूब से जो स्ट्राइक मिली है वो बेबुनियाद है, झूठी है। और अगर आपको वाकई में लगता है कि ये गलत स्ट्राइक है तो आप अपील करें, इससे आपका चैनल बच सकता है। यकीन मानिए अगर आप सच्चे हैं और आपने अच्छे से अपील करी है तो आपके चैनल को कोई नुकसान नहीं होगा और आपकी स्ट्राइक वापस ले ली जाएगी। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि YouTube एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, एक विशाल कम्युनिटी है। अगर आप इसके साथ कुछ भी गलत तरीके से पेश कर रहे हो, कुछ गलत तरीके से कॉन्टेंट को यूज़ कर रहे हो, कुछ गलत तरीके से फॉलोअर बढ़ा रहे हो, कुछ गलत तरीके से व्यूज़ बढ़ा रहे हो तो कभी ना कभी आपको ये पकड़ ही लेगा, क्योंकि आप YouTube से बड़े नहीं हो, आप Google से बड़े नहीं हो। तो दोस्तों YouTube की जितनी भी पॉलिसियां हैं उनको फॉलो करो और अपने YouTube चैनल पर काम करो। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह के यूजफुल कॉन्टेंट आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। थैंक यू।